रोहित शर्मा को फाइनली ये बात समझ आ गई है उसको टेस्ट मैचेस भी ना क्रिकेट वनडे की तरह खेलने हैं। अब यही टेक्निक के साथ वो फेंटा लगाए दुनिया को, वो हर बॉल पे स्ट्राइक ले रहा था, हर बॉल में स्ट्राइक कर रहा था। जब वो स्ट्राइक ले रहा था और कर रहा था तो उसके रन रुक ही नहीं रहे थे, जितना दिल चाहे जितना एक्ट विल चाहे वो रन कर रहा था। आज जो इंडिया ने जीत ली है, जीत जीत होती है, ठीक है। इंडिया की जो बल्लेबाजी चली है आज, आज जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 10 विकेटों से जो शिकस्त दी है, ये बड़ी भाई जीत। तो अगर रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो जिस तरह चल रहा है, अगर ये बल्ला रोहित शर्मा का भी चल गया और वर्ल्ड कप में भी चल गया, तो रोहित से डेंजर प्लेयर फिर पूरी टीम इंडिया में कोई नहीं, क्योंकि जहां से रोहित शर्मा छक्का मारता है ना, जहां से पुल रोहित शर्मा मारता है, किसी का बाप भी नहीं वहां से छक्का। बारिश की आंख मचोली वाले मैच में बारिश के बाद आके जिस तरह से कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है रोहित शर्मा और गेल ने, मतलब ब्रिलियंट आप कह सकते हो कि जो काम पाकिस्तानी ओपनर्स ना कर पाए वो इंडियन टीम ने किया। नेपाल के अगेंस्ट बैटिंग फिर इस तरह की होनी चाहिए कि पता चले कि हाँ जी एक बड़ी टीम खेल रही है, ऐसी टीम के साथ जिसने एक्सपीरियंस गेज करना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फ्लैट पिच थी, मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो ये फाइनल पाकिस्तान इंडिया का है, कोई माने ना माने ये फाइनल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए बना है। तो बॉलिंग अभी भी इंडिया का कंसर्न है, ये अगर कोई कहता है कि नहीं है तो गलत है। आनंद शर्मा 59 बॉल्स 72 रन नॉट आउट, 6 चौके 5 छक्के, 125 का स्ट्राइक रेट। गिल 62 बॉल्स 67, 8 चौके 1 छक्का, 108 का स्ट्राइक रेट। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार जीत को लेकर स्वागत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कल भारत और नेपाल के बीच एशिया कप का पहला मुकाबला खेला गया इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार मुकाबले में शानदार पारी खेलते हुए नेपाल टीम को आसानी से 10 विकेट से हरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया भारतीय टीम ने, जिसमें नेपाल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन बीच मैच में बारिश आने के कारण भारतीय टीम को 147 रन दिए गए थे चेस करने के लिए, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस छोटे से स्कोर को 10 विकेट से ही जीत लिया, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा रन करके इस टीमों को बता दिया कि इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक, एक तगड़ी जीत इंडिया को मिली है और यही चाहिए थी, इंडिया को यही जीतना चाहिए था, इसी तरीके से जीतना चाहिए था, इसी तरीके से उनकी बल्लेबाजी को परफॉर्म करना चाहिए था, इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी परफॉर्म करना चाहिए था। जितना नाम है, मतलब जितना बड़ा नाम है रोहित शर्मा, जितना बड़ा नाम बनाया गया है इसका शुभमन गिल का, विराट कोहली जितना बड़ा नाम है, तो ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली तो बहुत बड़े प्लेयर थे। आई वॉज शॉक्ड कि इनको पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हो गया था, लेकिन आज बहरहाल जैसी भी टीम थी जैसी भी बॉलिंग थी हम इस चीज से हट जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फ्लैट पिच थी, मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो जिसकी परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया वाले हमें कहते थे बाबर ने क्या कर लिया नेपाल के खिलाफ 151 कर लिया, मतलब बाबर ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, या हमने 104 पे उनको ऑल आउट कर लिया तो क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझसे पूछे ना तो रोहित शर्मा को तो देखने में मजा आ रहा था, मुझे शुभमन गिल को भी बैटिंग करते हुए देखने में क्लासिक। देखो लोगों की क्रिकेट में जहालत है, साफ और सीधी सी बात है। शुभमन गिल ठीक है, उस दिन पाकिस्तान के सामने बहुत ऑड लगा, जहां फॉर्म निकलती है बल्लेबाज की लोग ऐसे जज करना शुरू हो जाते हैं, तो फ्रॉड है या तो ये है, ये तो फला है, ये तो वो है। चलो शुभमन गिल के पास इतने साल नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है पीछे दिखाने के लिए, क्या मैंने माजी में क्या किया हुआ है। लोग यार वही वाली बात है ना, जब सूरज को भी आके दिखाते हैं। अब रोहित शर्मा की बैट्समैनशिप के ऊपर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, मजाक में नहीं मारे हुए उसने वो भाई, वो बात की बीच है। जिस दिन रोहित शर्मा चलता है ना, उस दिन फिर वो किसी को नहीं मामू छोड़ता, फिर वो हमने देखा है माजी में ना यार, उस बंदे को 200 तो मजाक में मारता था, मजाक में, मतलब मैंने अभी तक कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा दुनिया के क्रिकेट के अंदर, नॉट इवन विराट कोहली। हालांकि सबको पता है कि मैं विराट कोहली का कितना बड़ा फैन हूं, रोहित शर्मा इज अ क्लास अपार्ट, और मुझे खुशी हुई कि रोहित शर्मा के आज रन्स निकले, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ यार, कप्तान का कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए। बॉलिंग अभी भी इंडिया का कंसर्न है, ये अगर कोई कहता है कि नहीं है तो गलत है। आज मैं दिनेश कार्तिक की, इंडियन मीडिया में दिनेश कार्तिक की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, यानी नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, दे आर मोर पोटेंट देन इंडियन बॉलिंग अटैक। यानी जो इंडियन बॉलिंग अटैक है जिसमें सिराज हैं, शामी हैं और बुमराह हैं या शार्दुल ठाकुर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और ये अगर कोई नहीं मानता ना तो वो पागल है, ठीक है, उसको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं विराट कोहली को बड़ा खिलाड़ी नहीं मानता तो फिर मुझे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो आपकी रियलिटी होती हैं,
यार उनको नहीं झुटलाना चाहिए। तो अगर रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो जिस तरह चल रहा है, अगर ये बल्ला रोहित शर्मा का भी चल गया और वर्ल्ड कप में भी चल गया, तो रोहित से डेंजर प्लेयर फिर पूरी टीम इंडिया में कोई नहीं, क्योंकि जहां से रोहित शर्मा छक्का मारता है ना, जहां से पुल रोहित शर्मा मारता है, किसी का बाप भी नहीं वहां से छक्का मारता। आप बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने 8वीं 50+ स्कोर एशिया कप में बना दिया, और सिर्फ ये पीछे है तो एक नाम से पीछे है, और वो नाम सबको बताया, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 950+ स्कोर बनाए हुए एशिया कप में। अब नाम है उसका रोहित शर्मा, जिसने 8वीं 50 मार दिया। अगर एशिया कप में एक और 50 बनाते हैं तो सचिन तेंदुलकर द लिटिल मास्टर द लेजेंड उनका ये रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। तो यकीनन तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको कि आज नेपाली लौंडों का भुर्गस बना के रख दिया रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, क्या छक्के मारे हैं, क्या बैट बैट की एक टांग बाहर निकाल के, कभी एक टांग लिटा के, कभी स्वीप पे, कभी खड़े होके, कभी बैट के, क्या क्या छक्के मारे हैं, लाजवाब बैटिंग किया। जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 10 विकेटों से जो शिकस्त दी है, ये बड़ी भाई जीत है, ये स्ट्रांग जीत है, और ये भले ये नेपाल के खिलाफ है लेकिन इसका इंपैक्ट आपकी टीम के ऊपर पड़ेगा, आपका ओवरऑल मोरल जो है वो हाई होगा, आपके खिलाड़ी फॉर्म में आ गए हैं, एक बेहतर माइंडसेट के साथ आपकी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट सुपर फोर में जाएगी। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर सुपर फोर, दे आर द सेकंड टीम नाउ इन अवर ग्रुप, और हमारा ग्रुप जो है वो अब पूरा हो गया, यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया, भारतीय टीम ने ऑफिशियली सुपर फोर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बिल्कुल इंडिया का जो अपकमिंग शेड्यूल है, एसीसी ने अपडेट भी कर दिया कि भारत टीम अब किससे और किससे खेलेगी, कब कब और किससे खेलेगी, ये डिबी फाइनलाइज हो गया। साथ साथ आपको भी बता दूं कि एशिया कप की लगभग 4 टीमें ऑलमोस्ट 99% मिल चुकी हैं, पाकिस्तान क्वालिफाइड, भारतीय टीम क्वालिफाइड, नेपाल कम ऑन नेपाल, कम ऑन नेपाल आउट हो चुकी है। चलो ये काम हो गया, दो चीज हो गया, इंडियन फैंस ने पहले नेपाल कम ऑन नेपाल नारा लगाया, आज सारे पाकिस्तानी फैंस नारा लगा रहे थे लेकिन कम ऑन नेपाल। बात सुनो, बात ये है कि नेपाल को मंदिर का घंटा है, इधर से पाकिस्तान पीटता है, उधर से जो है वो इंडिया पीटता है, उन बेचारों का भी थोड़ा ख्याल करो यार, इंडिया ने उनको मंदिर का घंटा बना के पीट, और देखो पता था सारे इंडियंस को कि नेपाल को जो पाकिस्तान है वो हराएगा, फिर भी लगे हुए थे कम ऑन नेपाल, कम ऑन नेपाल, सारे इंडियंस ही लगे हुए थे, काफी सारे सोशल मीडिया में ट्विटर पे चल रहा था इंडिया। आपका वही होता है कि जब आप छोटी टीम के खिलाफ चढ़ के खेलते हैं, आपने चढ़ के खेला, आपने अपने आप को बहाल किया, अच्छी चीजों को अपने पास एब्जॉर्ब करें, बुरी चीजों को या लिस्ट डाउन करें कि ये आज हमारी बॉलिंग में मसला था, ये हमारी फील्डिंग में मसला था, अगर हम 20 बॉलों में 3 कैच पकड़ लेते तो नेपाल कभी भी 200 के करीब नहीं भटकता, 230 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर नेपाल ने 230 बनाए तो समझिए नेपाल यहां से मॉरल विक्ट्री वापस लेकर जा रहा है सवेरा, वो मॉरल 230। एक तो इंडिया से वो इतने ओवरवेलम्ड हुए थे कि रोहित शर्मा जो नेपाल का कप्तान है, रोहित शर्मा उसका आइडल है, अपने आइडल के साथ जिसको वो आइडलाइज करके खेलता रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ, टॉस कर रहा था उसके साथ, वो सर जोड़ के खड़ा हुआ था, मतलब उनके लिए आज वैसी कोई बड़ी फीलिंग थी, और ऊपर से 230 रन लगा जाना, नेपाल को यहाँ दाद देनी पड़ेगी कि दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ देयर 3 ड्रॉप कैचेस एंड दे पुट अप अ गुड शो अगेंस्ट इंडिया। 4 टीम हमारे पास आ चुकी हैं ऑलमोस्ट, पाकिस्तान इंडिया ऑफिशियली आ चुके हैं, बांग्लादेश ऑफिशियली आ चुकी है, और श्रीलंका को भी आप ऑलमोस्ट गैर हतमी लेकिन सरकारी तौर पर आप ले लीजिए, वो भी आ गए, ये डोगे। इंडिया का जो अपकमिंग शेड्यूल है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। भारत टीम जो अपना पहला मैच खेलेगी वो खेलेगी इंडियन टीम, आप याद रखिए इंडियन को A2 का रुतबा क्योंकि दिया गया है, तो इंडिया टीम, एक तो आपका पाकिस्तान और इंडिया के साथ मैच होगा 10 तारीख को इंडिया खेलेगी पाकिस्तान के साथ, फिर इंडिया 11 तारीख को छुट्टी है, 11 को कोई मैच नहीं है, 12 को इंडिया का फिर मैच है, और 12 तारीख को इंडिया और श्रीलंका का मैच होगा जो बहुत ही खतरनाक मैच है। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब हम दुबई में मौजूद थे तो श्रीलंका ने हम सबकी पार्टी जो है वो खराब कर दी थी, और श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया था, जिसकी वजह से इंडिया एशिया कप से बाहर हो गया था, क्योंकि इस बार जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और इस बार काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, अगर इन दोनों टीमों में से कोई जल्दी हक नहीं देगा तो फिर भाई पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय टीम ने शानदार मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए नेपाल की टीम ने शानदार बैटिंग की, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करना किया था जितना एक्सपेक्टेड था। दरअसल आपको बता दें कि उसके बाद जब बैटिंग करने भारतीय टीम आने वाली थी तभी बारिश आ गई, जिसके वजह से डकवर्थ लुईस नियम से 146 रन टेस्ट करने के लिए भारतीय टीम को दिया गया था, जिसमें भारतीय टीम के ओपनरों ने 10 विकेट से जीतकर इस मैच को जीत लिया है, जिसके बाद ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि
भारतीय टीम कितने आसानी से जीत गई है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वाले पहले कहते थे कि भारतीय टीम नेपाल से नहीं जीत पाएगी, लेकिन इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मार दिया भारतीय प्लेयरों ने। दरअसल आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ गया है और उनके साथ ही सुमन गिल का भी फॉर्म वापस आ गया है। अगर रोहित शर्मा का ऐसा ही फॉर्म रहा तो भारतीय टीम इस एशिया कप का फाइनल भी जीत जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि उस दिन भले ही भारत और पाकिस्तान मैच में बारिश आ गया था, अगर वो पूरा मुकाबला कंप्लीट हुआ होता तो भारतीय टीम अवश्य जीत जाती, लेकिन ये पाकिस्तान वाले कहते थे कि हमारा साथ इतना छोटा स्कोर भारतीय टीम ने खड़ा करके दिया था। दरअसल आपको बता दें कि 267 रन छोटे नहीं थे, इन पाकिस्तानियों की औकात का पता चल जाता कि इतने रन कैसे बन गए। वहीं आपको बता दें कि जब हमारे भारतीय तेज गेंदबाज इन पाकिस्तानियों को बॉल कराते तो इन पाकिस्तानी बैट्समैनों के हालत खराब हो जाते, जैसे भारतीय टीम के हालत खराब हुए थे, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों जैसे हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने शानदार बैटिंग करते हुए भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया था, लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस छोटे से स्कोर को चेस नहीं कर पाते। वहीं आपको बता दें कि ये नेपाल के टीम से जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि नेपाल के अभी शुरुआत हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल जिस तरह से खेल रहा है वैसे ही खेलता रहा तो इन पाकिस्तानियों से भी ऊपर जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।